ये परसेप्शन खत्म होना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें क्रिएट करने के लिए फिल्में बनानी है. आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान इज अ वंडरफुल कंट्री विद वंडरफुल वंडरफुल पीपल, वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल हु आर मेकिंग अ ग्रेट नेम फॉर देमसेल्व्स अक्रॉस द ग्लोब. बट डेफिनेटली यस, इस फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसको सेंसेशनलाइज नहीं किया गया. वो माही कैरेक्टर से है. माही एक बहुत फियर्स इंडिविजुअल है जो कि अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहती है. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इट्स लाइक आई सेड रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न करंट पाकिस्तानी वुमन ऑफ टुडे, जो बिलीव करती है कि उसकी डेस्टिनी उसके हाथों में है. एंड शी थिंक्स शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू चूज हर ओन पाथ. And dono characters ke liye it's a journey of self discovery, and you know, they discover things about themselves and are able to do things that they thought that they couldn't do before on their own through each other. Yeah. The strength that they get from each other without knowing it. Exactly. अच्छा सर, ये बताइए कि इसकी शूटिंग आपने कहाँ कहाँ की, पाकिस्तान में भी की है क्या, उसके अलावा बाहर भी आपने शूटिंग की? भाई सर आप बताएं. जी पाकिस्तान में की है, सॉरी लाहौर में हमने की है, और फिर अप नॉर्थ के वहाँ पर किया था. तारक तारक के साथ में पता चल गया. जी हाइसम हुसैन डायरेक्टर. अच्छा जी पाकिस्तान में जाते हैं. जी हमने सारी शूटिंग ही पाकिस्तान में की है 100%. जी लाहौर एंड देन वी वेंट अप नॉर्थ और वहाँ पर किया. एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमने लोकेशंस चूज किए हैं वो सिर्फ विजुअली खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं चूज किए. द लोकेशंस देमसेल्व्स आर कैरेक्टर्स. लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज शॉट इन लाहौर. लाहौर इज अ कैरेक्टर. इट्स एज इंपॉर्टेंट एज लेट्स से बालू और माही, बिकॉज और सेकंड अप नॉर्थ इज नॉट जस्ट कि अच्छा ब्यूटी शॉट्स या ग्लैमर शॉट्स लेने के लिए हम अप नॉर्थ गए हैं. अप नॉर्थ में इनफैक्ट हमारा बहुत मेजर सीक्वेंस है. पूरी सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म इज अप नॉर्थ. सो मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइटर भी हैं. जी जी बालू माही एक बड़ा अजीब सा नाम तो आता है, तो इसकी खास वजह से नाम रखने की? ये मुझे नाम बहुत पसंद था और मैं अपनी पहली जब फीचर फिल्म मैं राइटिंग के प्रोसेस में था तो मुझे था कि इसका नाम बालू माही होना चाहिए. कैरेक्टर्स मेरे जहन में बहुत पहले से प्ले अराउंड कर रहे थे और ये इन कैरेक्टर्स के नाम नामों के साथ इनकी पर्सनैलिटीज के साथ बहुत मज़े का जा रहा था. और ये एक फोकलोर है बाय द वे इन पाकिस्तान, ये कश्मीर की फोकलोर है. जिस तरह सस्सी पन्नो एंड यू नो राजा, ये फोकलोर है, तो कश्मीर की बालू माही एक बहुत मशहूर फोकलोर है. आप कह सकते हैं जो भी फिल्में बनी हैं, जैसे आपने बालू माही बनाई है, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तानी सिनेमा जो समझा जा रहा था बिल्कुल खत्म हो गया, तो उसको रिवील कर सकेगी कि ऐसी फिल्म, आप कह सकते हैं कि ऐसी कोशिशें हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा सके? जी देखिए, हम लोगों ने तो अपनी पूरी कोशिश की है. बेसिकली यही है कि जब सिनेमा में कोई ऑडियंस जाती है वो 500 रुपए का टिकट लेती है, आपने उनको एंटरटेन करना है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि वो पैसे खर्च कर रहे हैं. हमारी पूरी कोशिश रही है, यहाँ सादिया जब्बार प्रोड्यूसर बैठी हुई है, हमार चौधरी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि फिल्म हम जो बंदा पैसे खर्च करेगा और टिकट लेगा उसको पूरी एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, वो एक सेकंड के लिए भी बोर ना हो, ठीक है. सो कोशिश ये रही है और आगे ऑडियंस डिसाइड करेंगे. इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग इसको, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजेस, द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म व्हिच इज गोइंग टू हैव सच एन एक्सटेंसिव रिलीज वर्ल्ड वाइड. आई मीन थैंक यू टू ग्रैंड शोविल एंड ऑब्वियसली आवर कंपनी एचपीसी, बट दिस इज गोइंग टू हैव the biggest release worldwide Pakistan. So, mera आप जब फिल्म साइन कर रहे थे तो आपके दिल में जो आपने स्टोरी इन्होंने बताई तो आपके दिल में क्या वो स्टोरी हिट की कि ये फिल्म मैं करूँगा तो ये ऑडियंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पसंद की जाएगी? आई रियली वांट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन. काफ़ी वजूहत थी. एक तो वजह ये थी कि मुझे जो केमिस्ट्री थी बालू और माही की वो बहुत इंटाइस की थी. यूजली फिल्मों में ये होता है कि आप दिखाते हैं लव एट फर्स्ट साइट या लस्ट एट फर्स्ट साइट, इन लोगों का बिल्कुल ऑपोजिट है और आप एज एन ऑडियंस रियल टाइम में देख रहे होंगे कि क्या वो मोमेंट्स आते हैं, क्या छोटे छोटे इनके आपस में एक्सचेंजेस होते हैं जिसकी बेसिस पर दे स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद ईच अदर. सो इट्स वेरी ऑर्गेनिक, इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉट ऑन द फैक्ट कि अच्छा शी लुक्स हॉट और ही लुक्स गुड, यू नो, व्हिच इज व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर.
obviously that's there as well. But what I really enjoyed was this facet of the chemistry, which hasn't been explored all that much. Dusra Mahi ka character. Oh my god. It's a dream role for any girl. Haisin called me when London mein thi action ne kaha tha yaar I need film mein bana raha hu. Jab unhone shuru kiya character ke bare mein I just cut him and I said mujhe kab aana hai audition ke liye aap mein aa rahi hu. I mean Mahi ki journey is just incredible. Koi bhi ladki ye role, I mean this is a dream role for any girl. The graph what she goes through aur main bata bhi nahi sakti because there's a lekin I think jis tarah Annie ne Mahi ko play kiya hai aur Usman ne Balu ko play kiya hai honestly speaking mera nahi khayal koi aur actor inke saath itni justice kar sakta ab jabki main film dekh raha hu jitni inhone justice ki hai ek bahut fresh chemistry hai dono characters ek dusre se bilkul opposites hain और इनके आपस में जो इनका रिलेशनशिप का बिल्डअप है वो बहुत सटल है और इनका व्हेन दे फॉल इन लव वो भी बहुत सटल है यू नो इट्स नॉट ऑन द ऑन योर फेस कि आई लव यू एंड आई या सो इट्स वेरी सटल एंड आई थिंक एक और चीज भी होती है कि जब मुझसे अभी कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि बॉलीवुड में और लॉलीवुड में क्या फर्क है एंड ऑल दैट सो आई वाज लाइक आई थॉट अबाउट इट एंड आई आंसर्ड इट कि यहां पर हम ज़्यादा पैशनेट हैं बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को प्रूव करना है उन लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया हुआ है और उनकी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है उनका सपोर्ट सिस्टम बन चुका हुआ है हम लोग जब फिल्म बनाने गए तो हमारा सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है हम सब लाइक यू नो एक लाइक बहुत पैशनेट होके कि ये और मौत वाला जो हिसाब होता है और द वे उस्मान और एनी ने जिस तरह से कैरेक्टर्स निभाए हैं और जितनी मेहनत की है वो आई थिंक मॉन्यूमेंटल है मैं एक दिन जब बायोग्राफी लिखूंगा तो मैं मेंशन करूंगा जितनी चैम्पियन होना चाहिए मालूम नहीं क्या डेफिनेटली और फॉर श्योर और ये वो चीज जब एज एन ऑडियंस जब आप फिल्म देखेंगे और फिल्म देख के निकलेंगे तो वो आप फील करेंगे और वो आप महसूस करेंगे और उस चीज के साथ आप रिलेट करेंगे जो ये कह रहे हैं मतलब कुछ डायलॉग्स नहीं है लेकिन आंखों के थ्रू बहुत चीजें बयान की गई हैं यू नो सटलिटी फिल्म की होती है हर चीज अल्फाज से नहीं कही जाती बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे ऑडियंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो पूरा पूरा निभाया है भरपूर अंदाज में उस्मान और एनी अच्छा सर उस्मान और एनी आपसे मेरा क्वेश्चन है दोनों से एक कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन जिसको आज भी आप याद करके कहते हो वाह वो क्या सीन एक सीन ओ वाह क्या सीन था बहुत ज्यादा ऐसे सीन थे बट आई थिंक स्क्रिप्ट में बहुत सारे ऊपर नीचे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं हर दो मिनट कोई कैसा जैसा आप कहे कि ये बहुत अच्छा देखिए मेरे लिए पर्सनली लाइक यू नो मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा थिएटर में मैं कर चुका हूँ पर जिंदगी में पहली मरतबा एक्शन सीन्स किए हैं मैंने और कोई स्टंट कास्टिंग नहीं थी मैं खुद ही कर रहा था तो यू नो आई मीन दैट वाज वेरी थ्रिलिंग फॉर मी टू हैव लाइक एन एक्सटेंडेड लाइक एक चीज थी जो मैं बोल नहीं सकती वो हम रिवील करेंगे फिल्म में बट देयर वाज सम वेरी चैलेंजिंग पार्ट्स टू माय कैरेक्टर जो वो मैं नहीं बता सकती बहुत फिजिकल थे सो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हाँ, मतलब आपको कुछ यू नो रिएक्शन दे रहा होता है यू नो एंड दैट बैक एंड फोर्थ सो दैट यू इम्प्रोवाइज एज वेल आप छोटे छोटे न्यूएंसेस पिक कर रहे होते हैं सो दैट वाज रियली ग्रेट फॉर मी एज एन एक्टर और हमारी शूट शुरू हुई थी राहत की कवाली से दैट वाज डे 1 तो ऑलरेडी वी स्टार्टेड ऑन सच अ हाई तो वो एक्सपीरियंस दैट वाज अमेजिंग इट वाज शुरू किया था और सब लोगों के लिए वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शूट करना ओह माय गॉड हम शॉक थे जब गए थे कि ये क्या हो रहा है लाइक व्हाट हमने शिवपुरा में वो शूट किया है और पूरा वो सेटअप जितना भी आप लोगों ने कवाली के टीजर में देखा होगा ट्रांसफॉर्म बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वो जर्नी फिर 1 ईयर का कंप्लीट कर रहा है पूरी फिल्म का जिसमें लड़ाई झगड़े और लव रिलेशनशिप हम सब की रहे सारे इमोशन बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि इसमें हमारे जो प्रोड्यूसर्स मेरे साथ और भी इन्वॉल्व है हमाद चौधरी हाइसम हुसैन और एक्टर समेत सब लोगों की इंटेंशन थी फिल्म बनाना
चाहे हमारे बीच जितनी मर्जी हेट्रेड आया हो, कॉन्फ्लिक्ट आया हो, लेकिन एक चीज पे सब फोर शॉर्ट थे कि भाई हमने ये फिल्म कंप्लीट करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, कंप्लीट चीज में दैट वाज द थिंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. अच्छा, मेरा सवाल फिर वही पे आ रहा है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनका ज्यादा अट्रैक्शन रही है उनकी इंडियन फिल्म, बिल्कुल लिए बड़ी अट्रैक्शन रही. मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, इस फिल्म में कौन सी ऐसी बात है कि वो पाकिस्तानी ऑडियंस जो इंडियन फिल्म को ज्यादा उनको. अच्छा, मैं इसका एक बात बताऊं, अपनी तरफ जी, आप जो इंडियन फिल्म्स की बात करते हैं, हम सबको पता है वो कितने हैवी बजट्स में बनती हैं फिल्म्स. पाकिस्तान के अंदर हमारे जो फाइनेंसर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता, फंड्स नहीं होते, और अगर फंड्स होते हैं तो फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या इतनी मयारी फिल्म बन सकेगी, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन आ सकेगा. इस फिल्म को देखते हुए अभी तक जो आप लोगों ने देखा होगा, एटलीस्ट हमने एफर्ट की है, जो कि प्रोडक्शन के अलावा हाइसम ने भी कंटेंट में, एक्टिंग में, ओवरऑल एक फिल्म की पैकेजिंग में, कि हम अच्छी क्वालिटी की फिल्म लोगों को दे सके. वही लोग जो इंडियन फिल्म्स देखते हैं या और फॉरेन फिल्म्स भी देखते हैं तो वो सेटिस्फाइड जाए कि अच्छा, ये एक अप टू मार्क अच्छी फिल्म है पाकिस्तान. उफ, सही प्रोड्यूसर का जवाब. और पैसे वापस आएंगे. एक और मजे की इसमें बात है, इट्स नॉट क्रिएटिव अंटिल इट सेल्स. तो हाइसम हैज प्रूव्ड इट आई गेस, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर देती हूं इन्हें जब भी बजट बढ़ता था, और ये मुझे बोलते थे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं. एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि फिल्म पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, जबान क्योंकि एक है तो सिमिलैरिटीज ये रहेंगी, वी शेयर द सेम लैंग्वेज, और ये हमेशा यू नो बॉलीवुड फिल्म्स पाकिस्तान में लगेंगी, और वो क्योंकि सेम लैंग्वेज है, लोग चलेंगे, ग्रोन अप ऑन यू नो इंडियन फिल्म्स, सो वो एक प्यार हमारा उनसे रहेगा. हाउएवर, आपके सवाल का एक मैं खुलासा जवाब दूंगा, फिल्म में रोमांस है, फिल्म में ड्रामा है, फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, फिल्म में बहुत खूबसूरत म्यूजिक है. वी हैव फोर सॉन्ग्स, ईच सॉन्ग मतलब इज लाइक जैसे हाई बजट म्यूजिक वीडियो भी बनी हुई है, एंड अ होल जर्नी अनटू इटसेल्फ. बिल्कुल, और सारे गाने एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट है, जॉनर्स डिफरेंट, विजुअली डिफरेंट है, जॉनर्स डिफरेंट है, फील डिफरेंट है, फिल्म के हाइज एंड लोज बहुत है. फिल्म में कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पर ड्रैग करती है. अभी हम लोग अभी डबिंग कर रहे हैं फिल्म की, तो हमने अभी देखी भी है. सिचुएशंस ऐसे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 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 सिचुएशन जो आपने ट्रेलर में देखा, जो शादी के सीन में होता है, वो स्नोबॉल कर जाता है थ्रू आउट टिल द एंड ऑफ द फिल्म. एंड एक जर्नी है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एंड एक जर्नी है ऑफ कंप्लीशन. यू नो, पालू फील्स दैट ही इज कंप्लीट व्हेन माही एंटर्स इन हिज लाइफ, एंड आई थिंक वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा. So I mean, and there's a lot of humor, and it gives a very positive message, and it's a very glossy, visually beautiful film to boot. So I really think that jo paisa vasool log kehte hain na, hum maha paisa vasool denge. Inshallah. Inshallah.